और इसी बीच एक बड़ी खबर है, चूंकि आज देखिए सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है और कल अगर हमने देखा तस्वीर तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया और जैसे ही शुरुआत हुई सदन की कार्यवाही की उस वक्त ही हंगामा शुरू कर दिया गया। और कल सीएम की तरफ से ये कहा गया कि देखिए स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष चाहता था कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो। अब ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते, अन्य राज्यों की भी हम अपने प्रदेश के अंदर चर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया और आज सुबह 11 बजे तक के लिए जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। आज चूंकि दूसरा दिन है और आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, आज भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है, चूंकि पूरी रणनीति के तहत आज भी विपक्ष आपको कार्यवाही के दौरान नजर आएगा। मयूर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, चूंकि कल की तस्वीर हमने देखी काफी हंगामा हुआ, विपक्ष चाहता था मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया कि हम अन्य राज्यों के मुद्दे भी यहां उठाएंगे क्या, लेकिन आज भी लग रहा है कि आज भी काफी हंगामा हो सकता है विपक्ष की तरफ से। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले से सुनियोजित था, उसकी जानकारी थी कि हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो भाजपा सरकार पर हमलावर है और कल जो सत्र का पहला दिन था तो उम्मीद थी इस बात की कि वो लोग हंगामा इस बात को लेकर करेंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जब हंगामा शुरू हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया कि अन्य प्रदेशों की, पहले हम अपने प्रदेश की बात करेंगे, इसीलिए मानसून सत्र रखा गया है। जब भी सत्र कोई होता है तो अपने प्रदेश की जो चीज़ें होती हैं उस पर चर्चा किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, ये चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लगातार हंगामा समाजवादी पार्टी का देखने में मिला, वेल में आ गए और खासतौर पर तमाम उनके जो विधायक थे वो गले में टमाटर पहन के पहुंच गए, यानी कि टमाटर को भी एक मुद्दा बनाया गया, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर। तो मणिपुर की जो हिंसा है उसकी आग अब यूपी विधानसभा तक भी देखने को मिल रही है, यानी कि उसको एक प्रमुखता से मुद्दा बनाया गया है विपक्ष की तरफ से। और आज भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 11 बजे तक स्थगित जरूर विधानसभा कर दी गई थी, कल जो है तमाम लोगों के लिए शोक संवेदनाएं भी पड़ी गई, उसके बाद उसको जो है स्थगित किया गया और आज 11 बजे के बाद से शुरू होगी दोबारा सत्र की सुनवाई शुरू होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या हंगामा वो लोग करते हैं, क्या जो क्योंकि भाजपा का कहना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो तमाम प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा करिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव की भी कल जो तेवर है, जब वो सत्र से बाहर निकले तो वो नजर आए कि मणिपुर हिंसा को वो प्रमुख तौर पर अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर वो अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं, इन तमाम सारी बातों को लेकर आज फिर से एक बार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो सत्र में बवाल करते हुए नजर आएगी।